30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस। 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, टू व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 0319223382। नमस्कार, न्यूज आप तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आर्या झा। आइलैंड ज्वाइंट ऑटो यूनियन फेडरेशन के बैनर तले कल ऑटो चालकों ने तिरंगा पार्क में प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि फेडरेशन ने परिवहन विभाग की ओर से ऑटो चालकों के लिए लागू किए गए नए नियमों को वापस लेने की मांग की गई। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने कहा कि परिवहन विभाग ने मनमानी कानून लागू किया है और ऑटो केवल वही व्यक्ति चला सकता है जिसके नाम पर ऑटो है। पदाधिकारियों ने कहा कि विभाग का यह फरमान निंदनीय है, इसे वापस लिया जाना चाहिए। फेडरेशन ने ऑटो चालकों से जुड़े कई और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सबसे पहले हम लोग आज इस मंच में उपस्थित होने के कारण आप लोग सबको मालूम है ये हमारा आइलैंडर्स का मुद्दा है। ये मुद्दे में सिर्फ ऑटो आइलैंडर्स ही चलाना, इसी मुद्दे को लेकर हम लोग कई महीनों से इसको लेकर चल रहे हैं और हाल ही में हमने इसी मुद्दे को लेकर अनारकली कम्युनिटी हॉल में हमने अपना यूनिटी दिखाया। इसीलिए आज हम लोग इसी विषय में यहां में उपस्थित हुए हैं। आज अंडमान में बेरोजगार की मुद्दा बहुत बहुत है। आज हमारे अंडमान में किसी भी तरह का कोई भी रोजगार का जरिया नहीं है। अगर कोई रोजगार हमारा यहां में जनरेट होता है, बेसिक जो एक ऑटो है और दूसरा ट्रैवल्स, इसके अलावा यहां में बेसिक रोजगार कुछ नहीं है। तो इसीलिए इसी ग्राउंड को देखते हुए हमारे एसटीए एक 2007 में कानून बनाया जिसमें आइलैंडर से ऑटो चलाना है। उसी कानून के बेस में आज हम लोग प्रशासन से अनुरोध किया कि भाई उसी कानून के मुताबिक यहां में ऑटो चले। तो हमने कई महीनों से कई संघ लोग सब मिल के इसमें काम किया और हमें सक्सेस भी मिला है। आप लोग ये मत सोचिए नहीं मिला करके, हमारा जो लड़ाई है, हमारा सक्सेस हुआ है, ये आज का न्यूज़ है। सबसे पहले तो मैं आइलैंड जॉइंट ऑटो यूनियन फेडरेशन को बनाने का मुख्य कारण भी यही था। सारे समूह में बटे हुए थे, हम लोग अलग अलग समूह में बटे हुए थे, सब सारे संघ अलग अलग समूह में बटे थे। तो हमने सब एक होकर इस लड़ाई का हम लोग प्रारंभ किया और हमें सक्सेस भी मिला है। ये भीड़ जमाने का कारण क्या है मालूम है ना आपको? हमेशा हम लोग देखते हैं पोर्टर के अंदर में रोजगार कम हो गया, आदमी बढ़ गया, इसका कारण कौन है? एक जाता चार लेके आता, सही है कि गलत है बोलिए? एक जाता चार लेके आता, चार जाके आठ लेके आता, इसका कारण क्या? अंडमान में पूरा पैसा आ जाओ, यहां रोजगार नहीं है। बच्चा लोग पढ़ लिख के बैठा है, रोजगार नहीं है। आज
बच्चा लोग डिपार्टमेंट में एक एक वैकेंसी निकलता है, उनका एग्जाम लेता देगा आपने, कैदी लोगों तरह लेता है, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर भागना पड़ता है, लड़की बच्चा लोग या लड़का बच्चा लोगों, मरण में ताकत नहीं है मगर भाग के गिर जाता है, कोई कोई गुजर जाता है, मर जाता है, क्यों? नौकरी के पीछे, पेट के लिए। पढ़ लिख के यही सजा दिया क्या अंडमान के अंदर में? हमारा बच्चा लोगों को नौकरी पहले देना था, क्यों? आईलैंडर कार्ड क्यों इशू करा? एम्प्लॉयमेंट एक्शन क्यों खोल के रखा है? लोकल सर्टिफिकेट क्यों दिया? यहां का बच्चा लोगों को पहले वैकेंसी दो, फिर उसके बाद रहने से बाहर का बच्चा लोगों को देना करके, ये तो कानून में है। आज आईलैंडर कार्ड वाला बच्चा लोग पॉकेट में आईलैंडर निकालता है, जिरस करता है, फिर पॉकेट में रख देता है, वही एक बेनिफिट है, और कोई बेनिफिट नहीं अंडमान में। या दुकान देख तो मंगता बोले से बाहर वालों को देता पकड़ी लेके, नाम है आईलैंडर हम लोग का नाम है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, हर चीज में आईलैंडर कार्ड यूज होता है मगर बेनिफिट नहीं मिलता है, इसका कारण क्यों है? हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को कभी आवाज नहीं उठाता था कि हम लोग जो है शहीद हुआ लद, ये अंडमान है, यहां से कहीं भाग नहीं सके हम लोग, चारों तरफ पानी पानी, अंग्रेज ने ना कि हम लोग आदमी लोग यहां पर जेल में बहुत सताया था, सताने के बाद बहुत आदमी शहीद हो गया, उन्हीं का खानदान से ये तमिल भाई, तेलुगु भाई, रांची भाई, जितना भी धर्म के सब भाई लोग ये अंडमान में जो पैदा हुआ है, उनको क्या बेनिफिट देता है गवर्नमेंट के तरफ से? 26 जनवरी बनाता है, करोड़ों का गाड़ी बनाता, रोड से तान के जाता है 1 घंटा का पीछे, मगर आईलैंडर कार्ड को कुछ नहीं मिलता है। उनका परिवार को बुला के कभी पूछा है, आपका परिवार में किसी को नौकरी है? आपका रोजगार कैसा चलता है? आप लोगों तो कैदी बना के लेके आए थे अंडमान में, क्या बेनिफिट मिलता है? सर कोई बेनिफिट नहीं मिलता, आधार कार्ड ही मिलता है, आईलैंडर कार्ड और आधार कार्ड ही मिला है। गेस्ट लोग आता है जेल को देख के रो रो के जाता, भैया यहाँ पर कितने आदमी फांसी लटक गया, कितने आदमी को सजा दे दिया, आप लोग उन्हीं से कोई है? हम लोग बोला सर उन्हीं का खानदान का सब, हम लोग सब भाई लोग इधर ही, आप लोग कुछ बेनिफिट मिला? सर कुछ तो नहीं मिला। क्यों? इसके ऊपर में हम लोग सोचता नहीं है, कभी सोचने का मौका मिलता भी नहीं, आवाज उठाए तो आवाज पहुंचता भी नहीं, कारण क्या है? सब डरता है, अंग्रेज से डरने से गोली मारता था, आज कोई भी चीज में हम लोग आवाज उठाए तो पुलिस वाला हम लोगों पर अटैक कर लेता है, IRP भेज देता, नहीं तो पुलिस वालों को भेज देता, चलो उसके ऊपर में कार्रवाई करो, नहीं तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऊपर में बोलेगा इनके ऊपर में क्या है, देखो जमीन है कि नहीं है करके, है कि नहीं, सही है कि गलत है, बोलिए। आप लोग बोलने से तो हमारा आवाज बाहर आ रहेगा, आप लोग कुछ नहीं बोले तो हम सोचेगा काली अकेला स्टेज में बोलता, बाकी सब सो गया करके। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, आज अंडमान के अंदर में जो भी वैकेंसी निकलेगा पहले आईलैंडर कार्ड को देना चाहिए, या दुकान हो या कोई दुकान में काम में लेता हो उनसे भी उनको पूछिए, भैया आईलैंडर कार्ड वाला बच्चा लोग काम करने मांगता है कि नहीं, उनको पहले दो। ठेला गाड़ी में सामान ढो के जाता है, सामान लेके जाता है गली गली में, गाड़ी डाल के सामान बिक्री करता है, वो भी आईलैंडर कार्ड को पहले दो ना, उनके लिए कानून अलग है, इनको कानून अलग है क्या? जीने का कोई रास्ता नहीं अंडमान के अंदर में, ना कारखाना है, ना इंडस्ट्री है, ना कोई फैक्ट्री है, कैसा रोजगार चलेगा? बच्चे लोग पढ़ लिख के मां बाप बुढ़ापा का हमें एक सहारा मिलेगा, हमारा बेटा को नौकरी मिल जाएगा तो कम से हम लोग बिस्तर में रहने दे, थोड़ा कुछ तो लाख के देगा, क्या लाख देगा? नौकरी नहीं हो से हम लोग अपना देना पड़ेगा उनको। पहले बेटा लोग आता है, पहले बोलता बाइक मांगता हमको, टू व्हीलर मांगता। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों,
आज अंडमान के अंदर में एक ही चीज है, एक टवर्स में फोर व्हीलर चलाना, नहीं तो ऑटो। ये ऑटो में सारा जन को बाहर से लेके आके इसमें भरे हो तो हम लोग का रोजगार कहां से चलेगा। पहले 500 रुपए कमाता था, अभी 300 रुपए नोट देखने के लिए मुश्किल हो जाता। सही है कि गलत है, बोलिए। क्या यार, घड़ी घड़ी करंट चले जाता है क्या, आप लोग आवाज नहीं आता। बोलिए, आज कोई भी चीज में जीने का कोई रास्ता नहीं है। अंडमान के अंदर में कोई भी ऑफिसर आता है, इसके ऊपर मैं ध्यान नहीं देता। ध्यान देने का कारण क्या है, ये आम जनता है। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।